हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनेक्टेड स्टडी चैनल। आज हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, जिसमें अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस किस को दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। एज यू नो, इट लॉट टू डिस्कस। बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब करें हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल को और हमसे जुड़े रहिए आने वाली वीडियोस के लिए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल में, गेम्स में, और यह प्रतिवर्ष खेल व युवा मंत्रालय, गेम्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। और इसमें एक पत्र, प्रशस्ति पत्र नगद राशि में 7,50,000 रुपए और रेलवे का मुफ्त पास मिलता है। और इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, वो चेस के खिलाड़ी हैं। ओके, सो बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न किस किस को दिया जा रहा है। वो पहले ही नंबर पे है रोहित शर्मा, जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2029 के वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, 5 सेंचुरी लगाई और 648 रन बनाए। इस वजह से इनको खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। सेकंड नंबर पर है विनेश फोगाट, जो गीत फोगाट सिस्टर है, उनकी छोटी बहन है, जो ताल्लुक रखती है रेसलिंग से। अचीवमेंट की बात करें तो इन्हें 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने रजत पदक तक जीता था, सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 में, और वह टोक्यो ओलंपिक की, जो 2021 में होना है, अब उसमें एकमात्र भारतीय पहलवान है, महिला पहलवान है। थर्ड है यहाँ पे मनिका बत्रा, टीटी की, मतलब की टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2018 गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया, और 2018 में ही एशियन गेम्स हुए उसमें कांस्य पदक जीता। और कॉमनवेल्थ में ये पहला अवसर है कि कब जब किसी लड़की ने, महिला टीटी प्लेयर ने, गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। फिफ्थ है यहाँ पे रानी रामपाल, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं और इस समय हॉकी, वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है, और इनकी अगुवाई में 2018 एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था। साथ ही उनकी कप्तानी में महिला टीम ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है, जो 2021 में होने हैं। कहाँ होने हैं ओलंपिक? वो होने हैं टोक्यो में। फिफ्थ है यहाँ पे मरियप्पन थंगावेलु, ये है पैरा एथलीट, जो डिसेबल एथलीट है उसमें कैटेगरी में आते हैं, और इन्होंने 2016 में रियो डे जेनेरियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था मेंस हाई जंप में, और जिनकी कैटेगरी थी T42 कैटेगरी पैरा एथलीट की। ओके, अब बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है और जिसने पिछली 3 साल में देश के लिए मेडल लेकर आया, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंटरनेशनल लेवल पर, इन खिलाड़ियों को ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और ये प्रारंभ हुआ था 1961 में, और इसमें एक कांस्य की प्रतिमा अर्जुन की, जो मछली के ऊपर निशाना लगा था, मछली की आंख के ऊपर निशाना लगाते हुए की कांस्य की प्रतिमा, 5 लाख रुपए राशि और एक पत्र दिया जाता है। और इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे गुरबच्चन सिंह रंधावा, जो एथलेटिक्स थे। ओके, बात करते हैं अर्जुन अवार्ड 2020 की, तो यहाँ पर दिया जाएगा ईशांत शर्मा को क्रिकेट के लिए। और यहाँ पर हम अचीवमेंट की बात ज्यादा नहीं करेंगे, छोटे छोटे अचीवमेंट्स की बात करेंगे जिससे वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो। तो इन्होंने टोटल विकेट ली है 297 इन टेस्ट क्रिकेट, और बेस्ट बॉलिंग रही है 774 की। यहाँ पर सेकंड है दीप्ति शर्मा, जो एक महिला क्रिकेट है, और इन्होंने जो 2000 वर्ल्ड कप हुआ था उनमें कई सारे विकेट चटकाए हैं। फिर आते हैं अतानु दास, जो अर्चरी के प्लेयर हैं, इन्होंने 2013 में वर्ल्ड कप मिक्स्ड में गोल्ड मेडल जीता था किसके साथ? दीपिका कुमारी। इनकी अभी शादी हुई है दीपिका कुमारी की, और वो भी अर्चरी की ही प्लेयर हैं। ओके,
आते हैं सिर्फ केशवन जो लुंज की खिलाड़ी हैं, और ये विंटर ओलंपिक्स का एक गेम है जिसमें आइस के ऊपर स्लाइड करना होता है लुंज के साथ, और इन्होंने 6 बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, और ये बस एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक 6 बार के लिए क्वालिफाई करा और विंटर ओलंपिक में इंडिया का प्रतिनिधित्व करा है। फिर आते हैं दुती चंद, महिला एथलेटिक्स वुमेन एथलेटिक्स के प्लेयर हैं। इन्होंने वुमेन्स 100 मीटर इवेंट में समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और 2018 में इन्होंने जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल वो सॉरी सिल्वर मेडल जीता है। फिर आते हैं सात्विक सिराज रैंकी रेड्डी, ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली तो 2019 में थाईलैंड ओपन हुआ था उसमें ये विनर्स रहे थे। इनके साथ ही हैं वो हैं चिराग शेट्टी, इन्होंने दोनों ने मिलकर थाईलैंड ओपन जीता था। फिर आते हैं विशेष ब्रिगवंशी, ये बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, और इन्हीं के और एक ट्रेनिंग प्लेयर हैं विद द एडेला 36 ईरा ऑफ नेशनल बास्केटबॉल लीग। फिर आते हैं मनीष कौशिक, ये हैं बॉक्सिंग के प्लेयर, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, और लाइट वेट कैटेगरी की डिवीजन थी इनकी। फिर है लवलीना, ये भी बॉक्सिंग की महिला बॉक्सिंग से ये ताल्लुक रखती हैं, और इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो दिल्ली में हुई थी उसमें मेडल जीता है गोल्ड। फिर आते हैं सावंत अजय आनंद, ये हॉर्स राइडिंग के प्लेयर हैं, और इन्होंने मेडल जीता है एशियन गेम्स में। फिर है संदेश जिंगल, ये एक फुटबॉलर हैं, और जो IFF होता है इन्होंने प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर रहे थे 2014 में, और ये केरला ब्लास्टर के साथ सबसे ज्यादा अपीयरेंस करी है इन्होंने। फिर है अदिति अशोक, ये गोल्फ के प्लेयर हैं। इन्होंने रिसेंटली जो अमेरिका में गोल्फ टूर्नामेंट हुआ था उनकी रैंक आई थी 6, और इन्होंने 2016 के समर ओलंपिक्स में पार्ट भी लिया है। फिर है आकाशदीप सिंह, ये हॉकी के प्लेयर हैं, और इन्होंने ओलंपिक 2016 में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया, और इन्होंने अभी 33 इंटरनेशनल गोल्स दागे हैं, और इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में रिप्रेजेंट किया, और इन्होंने मैन ऑफ द मैच के टूर्नामेंट की ट्रॉफी भी जीती है एशियन गेम्स में। फिर है दीपिका, ये भी हॉकी के प्लेयर हैं। इन्होंने 200 से ज्यादा मैच खेले हैं, और 2018 की एशियन गेम्स में इनकी टीम कंट्रीब्यूशन के साथ सिल्वर मेडल जीता है। फिर है दीपक हुड्डा, ये एक कबड्डी के प्लेयर हैं। इन्होंने 2016 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, फिर उसके बाद एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में। फिर है काले सरिका, ये खोखो के प्लेयर हैं। इन्होंने इंडिया वुमेन्स खो खो कैप्टन सारे करेगा हैं, और सी लीड द नेशनल टीम टू गोल्ड एट द रिसेंट फोर्थ साउथ एशियन गेम्स इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे 12th साउथ एशियन गेम्स, इन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया था अपनी टीम को। फिर आते हैं सौरभ चौधरी, ये हैं शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल इनका इवेंट है, और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, और अभी इन्होंने रिसेंटली ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा है जो 2021 में होने हैं। कहाँ होने हैं ओलंपिक 2021 में? वो होने टोक्यो में। और रिसेंटली इनकी बात करें तो इन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है जो दिल्ली में हुई थी। फिर है मनु भाकर, ये भी शूटिंग की प्लेयर हैं। इन्होंने 2018 में ISF वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, और इन्होंने ये यंगेस्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल एट ISF वर्ल्ड कप, ये सबसे ज्यादा कम उम्र की महिला प्लेयर है जिन्होंने ISF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। फिर है दत्तू भोकनाल, ये रोविंग के प्लेयर हैं, नाव चलाते हैं ये। इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा है, और इन्होंने सिल्वर मेडल
इन द मैन सिंगल स्कल्स इवेंट एंड एट द फीशा एशियन एंड ओशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता साउथ, और इन्होंने 7 मिनट और 7.63 सेकंड में इन्होंने अपनी रेस को कवर किया है। फिर है मधुरिका पाटकर, ये भी टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। इन्होंने फरवरी 2017 में इन्होंने इंडियन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप इन वुमेन सिंगल जीती, और सी वाज ए पार्ट ऑफ इंडियन ट्रायो हु डिफीटेड सिंगापुर इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स एट गोल्ड कोस्ट एंड वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। इन्होंने 2018 में सिंगापुर को डिफीट करके हरा के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। फिर नेक्स्ट है देवी शरण, इनका स्पोर्ट्स है लॉन टेनिस। इन्होंने 5 ATP वर्ल्ड टूर टाइटल्स इन मेंस डबल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और मैच भी जीते हैं। और फिर है दिविज शरण, इनका जो स्पोर्ट्स है वो है लॉन टेनिस। इन्होंने 5 ATP वर्ल्ड टूर टाइटल्स जीते हैं इन मेंस डबल्स, और इन्होंने डेविस कप में भारत को रिप्रेजेंट भी किया है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2018 के एशियन गेम्स में मेंस डबल कैटेगरी में। फिर है दिव्या ककरन, ये है फ्री स्टाइल रेसलर। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इनकी कैटेगरी है 68 वेट कैटेगरी, और ये भारत केसरी टाइटल 8 बार जीत चुकी है, मतलब कि 8 बार इन्होंने भारत केसरी का टाइटल जीता है। फिर है राहुल अवारे, ये भी फ्री स्टाइल रेसलर हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में। फिर है सुरेश यादव, इनका जो स्पोर्ट्स है वो है पैरा स्विमर। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर बटरफ्लाई में, और इनकी जो कैटेगरी रही है वो S7 रही है पैरा एथलीट की, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 200 मीटर में एंड फ्री स्टाइल में एशियन पैरा गेम्स में। फिर संदीप चौधरी, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। इनकी अगर बात करें तो संदीप चौधरी ने जेवलिन जो पैरा एथलीट्स की कैटेगरी है F64 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है जो हुई थी दुबई में, और इनका इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पहला इनका रिकॉर्ड था 65.80 मीटर, और जिनका नया रिकॉर्ड बना है वो 66.83 मीटर बनकर इन्होंने अपना नया रिकॉर्ड बनाया है जेवलिन थ्रो में। फिर मनीष नरवाल, ये पैराशूटिंग के प्लेयर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन पैरा गेम्स 2018 में एंड टुक ए सिल्वर ने P4 50 मीटर पिस्टल मिक्स्ड SH1 फाइनल्स। ओके, फिर ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी भारत के सर्वोत्तम खेल पुरस्कारों में से एक है जो किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्यों को गौरवान्वित करता है, मतलब कि जिसने अपनी लाइफ खेल्स मतलब कि गेम्स में दी है, उसने जो कार्य करे हैं देश के लिए मेडल लेके आया है उसके लिए गौरव के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2002 में, और 2016 के अनुसार इस पुरस्कार में एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता साहूराज बिराजदार मुक्केबाजी के थे, अशोक दीवान हॉकी के थे, अपर्णा घोष बास्केटबॉल की थी, जिन्हें 2002 में सम्मानित किया गया था। यह है लिस्ट 2020 के ध्यानचंद अवार्ड की, जिसमें कुलदीप सिंह बुल्लर को दिया जाएगा एथलेटिक्स में, जिंकी फिलिप्स को दिया जाएगा एथलेटिक्स में, प्रदीप श्री कृष्णा गांधे को दिया जाएगा बैडमिंटन में, तृप्ति मुरगंडे को दिया जाएगा बैडमिंटन में, एन उषा को बॉक्सिंग, लखा सिंह बॉक्सिंग, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी और मनप्रीत सिंह कबड्डी, और फिर है जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स,
सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मंजीत सिंह रोविंग, श्री सचिन नाग स्विमिंग, नंदन बी पाल टेनिस, नेत्र पाल हुड्डा रेसलिंग। ओके, ये थी लिस्ट ध्यानचंद अवार्ड प्राप्तकर्ता की 2020 में। फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिए जाने वाले एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब कि ये कोचों को दिया जाता है जिनके अंडर गाइडेंस में जो एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेके आता है उनको ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक कांस्य की प्रतिमा, द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के थे, फिर ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी और ओ एम नाबियर जो एथलेटिक्स थे। और ये जो पुरस्कार देना चालू हुआ स्टार्ट हुआ वो हुआ 1985 में। ओके, यह द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 की पूरी लिस्ट जिसमें है धर्मेंद्र तिवारी आर्चरी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय बालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया रेसलिंग। फिर आते हैं इनकी रेगुलर कैटेगरी, बहुत ही लाइफ टाइम कैटेगरी, ये है रेगुलर कैटेगरी जिसमें जूस फेलिक्स सेवस्टेन को हॉकी में, योगेश मालवीय को मालका कम में, जसपाल राणा शूटिंग में, कुलदीप कुमार हंडू बुशू में, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन में। ये थी द्रोणाचार्य अवार्ड की रेगुलर कैटेगरी और ये है लाइफ टाइम कैटेगरी। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल्स को और भी नई नई वीडियोस के लिए। ओके गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।